आईपीएल 2023 का खिताब रविंद्र जडेजा की शानदार बल्लेबाजी के चलते चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हासिल तो हो गया, लेकिन क्रिकेट फैंस को एक और बड़ी खुशखबरी धोनी के रूप में मिल चुकी है। धोनी ने साफ तौर पर आईपीएल से संन्यास लेने के लिए इनकार कर दिया है, तो अब फिर एक बार अगले साल धोनी क्रिकेट खेलते हुए आएंगे नजर। साथ ही उन्होंने जडेजा की बल्लेबाजी पर भी दिल जीत लेने वाली बात कही है। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर के बारे में। दरअसल फाइनल मुकाबले का टॉस महेंद्र सिंह धोनी ने जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी, लेकिन गेंदबाजी चुनने का विकल्प बिल्कुल भी उनके पक्ष में नहीं रहा। रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल का कहर तीसरे ओवर से टूटना शुरू हो गया था। दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और सारा दबाव चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के ऊपर डाल दिया। एक छोर से साहा पिटाई लगा रहे थे तो शुभमन गिल ने भी उसके बाद सभी गेंदबाजों की धुनाई की। तीक्ष्णा हो या फिर दीपक चहर या फिर देश पांडे, ही क्यों ना हो, सभी गेंदबाजों का बखिया कौन दिया। 19 गेंदों में सिर्फ 39 रन पर आ चुके थे, जिसमें 7 चौके भी शामिल थे और लगभग 7 ओवर का खेल भी समाप्त नहीं हो पाया था। 67 रन स्कोर हो चुका था। इस बीच महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी के लिए बुलाया और उन्हें ठीक तरह से गेंदबाजी कराने के लिए गाइड किया। जडेजा ने उन्हीं के मुताबिक गेंद बाहर की तरफ कराई और शुभमन गिल चकमा खा गए। इस बीच उनका पैर क्रीज से बाहर निकल गया और धोनी ने चीते की रफ्तार से पलक झपकते ही सारी गलियां बिखेर दी। धोनी अपने आप में दिखे डीआरएस से कम नहीं है और इसीलिए धोनी ने पहले ही जडेजा को बता दिया कि क्लियर आउट है और थर्ड अंपायर ने जब फैसला सुनाया तो वह क्लियर आउट है। धोनी की चमत्कारी स्टंपिंग को देखने के बाद अहमदाबाद के इस स्टेडियम में सिर्फ धोनी का नाम गूंज रहा था, लेकिन उसके बाद साई सुदर्शन और रिद्धिमान साहा ने पारी को आगे बढ़ाया। साहा 39 गेंद में 54 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने इस मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी कर दी गई और 47 गेंदों में 96 रन ठोक डाले। वहीं अंत में हार्दिक पांड्या 12 गेंदों में 21 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसके चलते टीम 20 ओवर में 214 रन तक पहुँच गयी। लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की टीम की पारी की 3 गेंद ही सीट पाई थी कि बारिश ने खलल डाल दी, जिसके बाद मुकाबले में ओवर कम कर दिए गए। 15 ओवर में जीत के लिए 170 रन चाहिए थे, लेकिन उसके बाद चेन्नई के दोनों ही सलामी बल्लेबाजों का कहर गुजरात के गेंदबाजों पर जमकर टूटा। शुरुआत ऋतुराज गायकवाड़ ने 2 शानदार चौकों से करी। उसके बाद कौनवे हार्दिक पांड्या के ओवर में 1 छक्का और 1 शानदार चौका जड़कर तेज गति से रन बनाई। दोनों ही बल्लेबाजों ने शुरुआती 4 ओवर में 52 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। 6 ओवर में चेन्नई के बल्लेबाजों ने 72 रन बना लिए थे, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला चेन्नई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन टाइम आउट के बाद जब गेंदबाजी पर आए नूर अहमद, उन्होंने मुकाबला ही पलट कर रख दिया। पहले गायकवाड़ 16 गेंदों में 26 रन बनाकर कैच आउट हुए और उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। कौन में 25 गेंदों में 47 रन बनाकर उन्हीं के ओवर में दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए। यहां से मुकाबला पलट गया था। उसके बाद क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए अजिंक्य रहाणे ने ताबड़तोड़ हिटिंग करी और शानदार 2 छक्के जड़ दिए। 8 ओवर में 94 रन हो चुके थे और 7 ओवर में लगभग जीत के लिए 77 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने चौकों की बरसात करते हुए मुकाबले को फिर रोमांचक बना दिया। 5 ओवर में 59 रन जीत के लिए चाहिए थे। रहाणे सिर्फ 11 गेंदों में 26 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद मोहित शर्मा ने अजिंक्य रहाणे को आउट कर दिया और मुकाबला पूरी तरह से फंस गया। 4 ओवर में जीत के लिए 52 रनों की जरूरत थी और शुरुआती 4 गेंदों पर कुछ रन आए नहीं थे, लेकिन अंतिम 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के शिवम दुबे ने राशिद खान को लगाया और मुकाबले में फिर एक बार जान फूंक दी। अंतिम 3 ओवर में जीत के लिए 38 रन की जरूरत थी,
अगले ओवर में अंबाती रायडू ने 2 छक्के और 1 चौका जड़कर पूरा मुकाबला टीम की झोली में डाल दिया था, लेकिन उसके बाद पहले अंबाती रायडू आउट, अगली गेंद पर धोनी भी आउट हो गए और यहां से मुकाबला फिर एक बार पलट गया, जिसके लिए 12 गेंद में 22 रन की जरूरत थी और मोहम्मद शमी ने 9 रन ओवर में दिए। अंतिम ओवर में जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद अंतिम 2 गेंद में जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी और रविंद्र जडेजा ने पहले छक्का लगाया और अंतिम गेंद पर चौका लगाकर अपनी टीम को इस मुकाबले में विजेता बना दिया। रोमांचक मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाने के बाद रविंद्र जडेजा का डंका हर जगह बज रहा है। जडेजा की शानदार बल्लेबाजी के चलते उन्होंने उनकी जमकर तारीफ में कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा, वाकई में जब मुकाबला अंतिम चरण में जा चुका था तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि 2 गेंद में 10 रन बनाना अपने आप में बेहद मुश्किल काम होता है, लेकिन रविंद्र जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी से यह साफ कर दिया कि मुश्किल काम ही रविंद्र जडेजा को पसंद है, उन्हें इसीलिए सर जडेजा कहा जाता है। बल्लेबाजी कमाल नहीं, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी टीम ने न सिर्फ इस मुकाबले को जीता बल्कि आईपीएल का खिताब 5वीं बार अपने नाम कर लिया है। यह सिर्फ हो पाया है तो रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी के चलते। उनके अंदर काबिलियत है, बड़े मुकाबलों के वह प्लेयर हैं। बस मुझे उम्मीद है कि वह आगे आईसीसी ट्रॉफी में भी इसी तरह का प्रदर्शन करे। साथ ही धोनी थे, जब उनके रिटायरमेंट को लेकर सवाल किया गया तो धोनी ने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी सोचने के लिए 6-7 महीने बाकी है। उन्होंने कहा, मैं अगले साल भी आईपीएल खेलना चाहता हूं और बाकी मेरी फिटनेस और बॉडी पर डिसाइड करना होगा। अगर मैं पूरी तरह से फिट रहूंगा तो मैं यकीनन अगला आईपीएल का साल भी खेलूंगा। इस तरह से धोनी ने करोड़ों भारतीयों को फिर एक बार आईपीएल देखने की वजह दे दी है। वैसे आप सभी धोनी की महानता के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।